Wigan wale keh rahe the ki bhi we want to keep you. The only way it could have happened is if East Bengal was like, ja bete, jile apni zindagi. So, cup game se start hua, cup game, league game, cup game, league game, fir Europa League game. Hi, I'm Gurpreet Singh Sandhu. You're watching Superpower Football, home of Indian football fans. Action. Take two. Round two. One take वाले हैं यार हम लोग. Round two. चलो. Stubbeck के बारे में बात करते हैं. 2014 में आपको एक move होने वाला था. John Burridge के through हुआ था शायद. Wigan join करने की बातें चल रही थी. But Wigan did not happen. Stubbeck did happen. मुझे थोड़ा explain करो कि मैं थोड़ा confusion में हूँ situation के. Exactly चल क्या रहा था उस time पे. मतलब I'll start with Wigan. Okay. Firstly. 2011 is when I met John Burridge. Budgy, basically. Yeah. Crazy guy. Yeah. But an amazing goalkeeper coach. Yeah. And apne zamane mein goalkeeper bhi bahut acha tha. City ke goalkeeper tha, no? Haan, haan. He's the oldest guy to have a Premier League appearance, man. Crazy. And stuff like 50 that. Or something. Haan. Yeah. And it's crazy. I mean. Yeah. So 2011 mein, they spotted me. I think they were covering the derby game. They used to work for 10 sports and everything. Yeah, I remember. So they came down to Calcutta match dekhne ke liye, match cover karne ke liye. And Bajji training dekhne aaya tha ek din pehle. So wo aur Joe Morrison jo hai, wo dono training dekhne aaye. Aur Bajji, matlab main goal mein khada hu aur training kar raha hu. Bajji aa raha hai goal ke piche chilla raha hai, wow, ye kar raha hai, kehta this boy I want to take him outside, ye wo karke. Fir jab training khatam hui to usne mere ko bulaya aur bol raha hai ki kehta tu apna time waste kar raha hai yahan pe, kehta I think you can play outside and I want to help you, kehta bhi ye talent apna waste mat kar yahan pe. Aur us time mujhe laga ki haan yaar, मैं बाहर जा सकता हूँ. अगर ये बंदा कह रहा है जो बाहर खेला हुआ है, खेल चुका है, कि मैं बाहर जा सकता हूँ तो मेरे में क्या कमी है. तो दैट्स व्हेन द प्रोसेस स्टार्टेड. एंड तब मेरे को वेट करना था अभी सीज़न कब फिनिश होगा. तो 2012 में जब सीज़न फिनिश हुआ तो जब ऑफ सीज़न होता है तो आई वेंट टू विगन एथलेटिक. तो उस टाइम पे अली अलापसी वॉज द गोलकीपर एंड रोबर्टो मार्टिनेज वॉज द हेड कोच. तो थ्रू दैट लिंक वी मैनेज टू गेट अ वीक विद विगन फर्स्ट टीम ट्रेनिंग विद देम एंड इट वॉज अनबिलीवेबल. दे जस्ट वॉन्टेड मी टू हैव द टेस्ट ऑफ हाउ इट फील्स टू बी विद द टॉप गाइज प्रीमियर लीग लेवल. एंड इट्स डिफरेंट बट मतलब डे बाय डे मुझे ऐसे लग रहा था कि यार मैन आई कैन डू इट. आई लाइक यू नो इट्स समथिंग दैट यू कैन लर्न. लाइक हमारा ये पर्सपेक्टिव है कि यार पॉसिबल ही नहीं है. बट वंस यू गो देयर नो यू ट्रेन एवरी डे विद द गाइस हु आर एट दैट लेवल. अपने आप आ जाता है क्योंकि अगर आप मेहनत करोगे तो हो जाता है एवरीथिंग इन लाइफ. वो हफ्ता जब हो गया तो विगन वाले कह रहे थे कि भी वी वॉन्ट टू कीप यू and we want you to stay here 6 months with us, train with us and Premier League club. हाँ तो कह रहे थे कि भाई 6 महीने हमारे साथ लगाओ. Once you're like fully trained and ready, we'll send you on loan to a sister club or feeder club and then bring you back. Yeah. And भाई मेरे तो खुशी के ठिकाने ही नहीं थे. मैं मतलब पागल हो रहा था. मैं कहा ये वो चलो करो फोन अभी फोन करो. इंस्टाग्राम स्टोरी उस टाइम था नहीं. हाँ पता था. तो आई वॉज कॉन्ट्रैक्टेड विद ईस्ट बंगाल. तो उस टाइम सैड म्यूजिक प्ले हो रहा था दिमाग में. हाँ द ओनली वे इट कुड हैव हैपेंड इज इफ ईस्ट बंगाल वॉज लाइक जा बेटे जी ले अपनी जिंदगी. और वो हुआ नहीं यार. हुआ क्या था एग्जैक्टली? मना कैसे हुआ ये? क्लब ने बोला कि मत जाओ यार, हमें चाहिए. जॉबी जस्टिन के साथ भी यही हो रहा था अभी बीच में. हाँ कह रहे हमें आई लीग खेलना है, हमें फेडरेशन कप खेलना है, हमें तू चाहिए. तो कांट डू एनीथिंग. आई वाज लाइक यू नो आई वांट टू गो मैन. दिस इज समथिंग यू नो इट्स नॉट गोना कम बैक इन लाइफ दिस चांस. ये कब था? 2012. बट आफ्टर दैट आई डिसाइडेड डील कैसे किया आपने उससे?
गुस्सा नहीं आ रहा था आपको? भाई गुस्सा तो हुआ, मैं मतलब बता नहीं सकता, इतना डिसअपॉइंटेड था. एंड आई डिडंट वांट टू लाइक प्ले ट्रेन, बट दैट्स नॉट व्हाट प्रोफेशनल्स डू, यू नो. वंस यू हैव अ कमिटमेंट यू हैव टू फुलफिल इट. एंड दैट्स द डे आई डिसाइडेड दैट अब भाई मैं रिन्यू नहीं करूँगा कॉन्ट्रैक्ट, अभी मुझे बाहर ही जाना है कैसे भी करके. तो वो दो साल में 2012 टिल 2014 समर, आई वॉज काउंटिंग डेज, कब ख़त्म होगा, आई वॉज काउंटिंग द डेज. एंड 2014 इज़ वेन दोबारा लकीली मुझे चांस मिला, नौवे में था. एंड जिस गोलकीपर कोच ने अली अल हब्सी को ट्रेन किया था और वहाँ से वो प्रीमियर लीग गया था, तो वो गोलकीपर कोच एक क्लब में था और उनसे बात हुई कि ऐसे ऐसे एक गोलकीपर है, अगर आप उसको ट्रेन कर सकते हो, देख सकते हो ट्रायल के लिए. तो मैंने उस टाइम क्लब को बोला कि भाई मैं रिन्यू नहीं करना चाहता, दे वॉन्टेड मी टू रिन्यू एंड स्टफ लाइक दैट. एंड दे वर लाइक रेडी टू गिव डिसेंट अमाउंट ऑफ फंडिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट एंड वट एवर, बट मैंने उस टाइम जैसे मैं कह रहा था काउंटिंग डेज डाउन, लाइक ना जाना ही है. तो मैंने उनको बोला कि एक बार ही नौवे जाने दो, अगर हो गया ठीक है, नहीं हुआ तो वापस आके कर लेंगे, कुछ भी करना होगा कर लेंगे. Because I wanted to try that one time, because that was kind of my last shot. Yeah. So in 2014, I went to Norway with a luggage of 1 week. मैं यही सोच के गया था भी एक हफ्ता है क्या है, अभी एक हफ्ते की ट्रेनिंग होगी, उसके बाद बताएंगे. तो एक हफ्ते से दो हफ्ते हो गए, दो हफ्ते से तीन हफ्ते हो गए, तीन से महीना हो गया. मैं कपड़े नहीं लेके आया हूँ, मैंने बाल भी नहीं कटाए हैं और बता भी नहीं रहे साइन करना है कि नहीं करना है. ट्रेनिंग कर रहा हूँ कर रहा हूँ कर रहा हूँ. एंड यू नो दैट रेस्टलेसनेस इज समथिंग विच काइंड ऑफ लाइक बग्स यू ऑल द टाइम. तो मतलब वो एक दो तीन महीने हो गए, तीन महीने के बाद दे वर लाइक वील साइन यू. आपने एक्सपेक्ट ही नहीं किया होगा. मैं एक्सपेक्ट गया ही बिना एक्सपेक्टेशन के था. तो या मैन दैट वाज इनक्रेडिबल. एंड द प्रोसीजर इज समथिंग व्हिच इज वेरी लॉन्ग, यू नो, वर्क परमिट स्टफ लाइक दैट एंड ऑल ऑफ दिस इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड. दैट्स व्हाई इट्स डिफिकल्ट फॉर लाइक नॉन यूरोपियन प्लेयर्स टू गो अब्रॉड एंड स्टफ लाइक दैट. एंड it took a lot of convincing to the club as well, kyunki unke paas already ek foreign goalkeeper tha. He is bloody good man, like he is, he was the second keeper of Ivory Coast and he is younger than me, he is like 1-2 years younger than me, and he had been staying at the club for the past 5 years. So he's been playing for the past 5 years Ivory second team, Ivory Coast second experience team. Yeah. Very nice guy. What was his name? I forgot. Sayoba Mande. Yeah. Mande Sayoba. Yeah. And very good guy. So that's when I signed. And that's when I Bob Bradley signed, you know? Yeah. Bob Bradley was the coach. Yeah. Like, and then Billy McKinley came. One of the best coaches I've, you know, trained and played under is Bob Bradley. You know, like that guy is demanding and in a good way. Yeah. He'll bring out the best out of you. Yeah. No matter what. Yeah. So that's when I signed for Norway and my first phone call was at home saying that ki bhai kapde bhej do, bahut thand hai yahan pe, thand bhi shuru ho gayi aur jo main chote tha kapde leke aaya tha bhai kapde bhejo pehle. Kitne suitcases hain aapke paas? Main to ek hi aaya tha. So I went thinking that I'll go there for a week and I came back to India after 7 months. That's the story. Crazy. Family ka reaction kya tha? Wo kehte le नॉर्वे चले गए तो वापस कैसे आएगा? ज्यादा दूर हो गया. और खाने का कैसे आपने मैनेज किया? मैंने नॉर्वे का ये भी सुना है कि दिन कभी होती है रात कभी होता है, क्या सीन है? सर्दियों में ऐसा है कि भी सनी नहीं होता. नहीं, इफ देयर इज सन इट्स सनी टिल लाइक 3 AM. ऐसे कैसे चलता है? शुरू में तो ऐसे था यार, मतलब सोना कब है, 10 बज गए, 11 बज गए, 12 भी बज गए. मैं पर्दा भी डाउन कर लिया, फिर भी धूप आ रही है. सो
So it was very difficult in the first 2 years, and it's somewhat of a lifestyle which I was not used to. Like, you know, हमारे इंडिया में क्या है कि भी बहुत comfortable है. कई लोग जो मतलब independent हैं, आपने गाड़ी धोने के लिए भी कोई रखा हुआ है, आपने खाना बनाने के लिए भी कोई घर साफ करने के लिए रखा हुआ है, और वहाँ क्या है, अपना खुद काम करना पड़ता है. So that was a big culture shock for me, but I'm glad it happened to me, man. Yeah. Like grounded ho jata na. Haan, once you do your own things, you get that habit, and you're like, man, like jo hum kar rahe the to kuch bhi nahi hai, to matlab we are living a privileged life, and I got used to that. Learned how to cook. I had to call every time to my sister and mom, ask them how to like. कुक स्टफ, तड़का कैसे लगाना है भाई, अब क्या करना है, कुकर है, ये है, वो है, कितनी देर रखना है. सो दैट्स समथिंग आई लर्न्ड इन द फर्स्ट 1.5 इयर्स. आफ्टर दैट मास्टर शेफ हो गया एकदम. जाना चाहिए था आपको, कुछ भी बना सकते हैं. सो या दैट्स an incredible, you know, journey, not only as a footballer but as a person that I went through. सबसे बड़ा टॉकिंग पॉइंट, एटलीस्ट जो फुटबॉल देख रहे थे उनको मालूम था आपने स्टबैक ज्वाइन किया, आपने टाइम से प्रोग्रेस कर रहे हो, विगन में कॉल पाया, लेकिन जो मतलब अच्छे से फॉलो करते उनको ही नाम पता था. हाँ, बाकी लोगों के लिए सेटबैक था वो. ये सेटबैक क्या है? सेटबैक के लिए खेलते हो? डेनमार्क में खेल रहे थे. कौन से क्लब में? बेल्जियम. हाँ, ऐसे ही सीन. बट यूरोपा का नाम आया तो सबके कान खड़े. नाम क्या आपका? आज मैं इधर मॉल में था, आया कैफे कॉफी डे में था, मैं आई वाज गेटिंग अ कॉफी, देखा देखा लग रहा है, व्हाट्स योर नेम? मैंने कहा सुनील छेत्री. ही वॉक्ड ऑफ, वो चले गया, वो माना नहीं. फिर वो दोबारा गया, मतलब ही वाज स्टैंडिंग, आई लुक्ड एट हिम, फिर वो गूगल कर रहा था यार ये बंदा कौन है. फिर आया, सॉरी सर, नाम नहीं पता था मेरे को. कोई बात नहीं भाई, क्यूट है बंदा, आया बोला. या सही, गुड मैन, एट लीस्ट पीपल रिकॉग्नाइज फ्रॉम द फेस. फर्क पड़ता है ना, लेकिन फुटबॉल बहुत फनी है. मैं सुनील छेत्री हूं. मैं भी करता हूं, मेरे को भी रोल आपको शेव करनी पड़ेगी ना. हां, ये पाजी को बोल दो कि दाढ़ी-वाड़ी उगा ले. नहीं आएगी, नहीं आती पाजी की, नहीं आती, नहीं आ रही, नहीं. ठीक है, मसा मसा निकाल ली उन्होंने ना, दाढ़ी कहां गई थी भाई. इज इन अ डिफरेंट, चलो यूरोपा के बारे में बात करते हैं, मैं भूल जाऊंगा वापस. अच्छा, सी यूरोपा लीग इज वन ऑफ द बिगेस्ट गेम्स फॉर मी, बट मुझे जितनी खुशी टॉप डिवीजन लीग मैच खेल के हुई थी, मैंने वैसी खुशी एक्सपीरियंस नहीं की है अभी तक. क्योंकि वो मैच जब मैं खेला था, वी वन लाइक 5-0, क्लीन शीट. I have never experienced something like this joy that I had. मतलब मैंने वो experience नहीं की थी उस time. Home game था आपका? नहीं, away game था. And that was the first time ever. मुझे नहीं पता कैसे, but I screamed in the dressing room. Like when you realize something and you look up in the like nowhere and you scream. Yeah. Like, you know, that's where when that happened. And yeah. पर उसके बाद we finished the league, we finished third, you know, the lowest budget team who has no players. Yeah. We finished third, bronze, yeah. Bronze medal, and pata chal gaya ki Europa League qualifier khelenge. Aur December, November mein season khatam hua, 2015. Yeah. Yeah, 15, and that's when I personally like when you say you talk to yourself, you chat with yourself, that's when I told myself that I want to play that game no matter what. Aur koi game khelu na khelu, mere ko bhai wahi game khelna hai, mere ko aur koi game nahi khelna. So I woke up every single day after that training for that I have to play that game no matter what happens. Goal set ho gaya ki bhai tu injury ho, tu kuch bhi ho, tu kharab khel, mere ko farak nahi padta, mere ko wahi match khelna hai. And then Billy McKinley was the coach. And that's when I had started to, I think, surpass Monday in training and
every single day in training, you know, I was doing well, doing better. And that's when Coach Billy McKinley said that, you know, I'll start the games. So cup game se start hua, cup game, league game, cup game, league game, फिर यूरोपा लीग गेम. और जब उन्होंने कहा कि मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, इट वॉज वेरी वेरी लाइक एन अनरियल फीलिंग, बिकॉज यू नो दैट्स वॉट समथिंग यू हैव वर्क फॉर, यू ट्रेन फॉर. और सिर्फ यही गोल था कि वो मैच खेलना है कैसे भी करके. और मैं अराउंड 13-14 मिनट्स I went for a ball, crossed. The striker is up in the air. Yeah. I tried to go for a punch. Yeah. And I missed the ball. I hit the guy in the head. Yeah. I got fractured. Yeah. Here. Yeah. So I played until 30 minutes with a fractured hand. Yeah. But okay, after 30 minutes, after catching some balls and shots, bhai itni pain hui na. मैं सोचा कि अगर किसी ने शूट मारा और डर के मारे मेरा हाथ नहीं गया तो मेरे को गाली पड़ेगी. सच में. सो दैट्स व्हेन आई यू नो रेज माय हैंड, सैट डाउन एंड लाइक यू नो काम 25 हो गया अभी. एंड दैट्स व्हेन आई वॉक्ड ऑफ. इवन दो आई वाज इंजर्ड, आई वाज वेरी हैप्पी दैट यार मतलब फाइनली यूरोपा लीग, आई हैव डन समथिंग. बट आई हैव काइंड ऑफ किल्ड माय हैंड एंड आई एम बैक टू स्क्वायर वन. Start again, get fit. So joy or anguish साथ में. Same to same. Bitter sweet symphony. फिर उसके बाद एक और goal set कर लिया. I think that time it was August, July and something, and we were playing Puerto Rico in September. Captain खेला अपने first time. हाँ. वो match के बाद मैंने सोचा कि भाई वो match के लिए fit होना है. GoPro पहली बार लेके आया था मैं match में उस time. देखा. Everything connects. Connect. So yeah, that was the moment I like wanted to get fit for that game. And even at that point, I think coach Steven sir aaye the Norway aaye the August mein apni family ko leke. Aapse milne ke liye aaye the fir? Nahi, family ko vacation ke liye aaye the and he met me. Norway vacation. Haan. And he met me. And I had a plaster on my hand. And he was devastated, man. He was like, what the hell, you know, ye kya kar liya. Main kya bhi kya kar sakte hain, ho gaya abhi. Yahan pe hua tha aapke punch. Ye haddi pe. Haan, mere saath bhi ho chuka. Kya kisi ko punch kiya kya? Gir gaya tha, special meeting. Achha, aise? Bad, hai. Let's get back to where we were. Teen fracture ho chuke hain, mera 8 mahine mein isliye. Oh my god, mate. Need to look. Stephen sir ke baare mein baat karte hain. हाँ तो अगस्त में ही मेट मी एंड ही सॉ मी विद अ प्लास्टर एंड ही इज लाइक विल यू बी रेडी फॉर द सितंबर गेम. आई सेड यू नो आई विल ट्राई. एंड उस टाइम पे जो डॉक्टर थे जिन्होंने देखा और वो कह रहे थे कि भाई एक महीने से पहले तो ग्राउंड पे नहीं उतरना चाहिए. एक महीना ये आई थिंक इट वॉज देयर फॉर 3 weeks. And he said, after 3 weeks, I need to wait another 2 weeks until I go on the pitch. For physio and all. Haan. Pura motion regain karne ke liye. Haan. To get strength and everything. Yeah. 5 to 6 weeks. But 4 weeks mein to match tha. India team ka. So after 3 weeks, I didn't think about anything. Went on the pitch. Started training. Played those 2 weeks. Trained with those 2 weeks. And played the game with pain. Puerto Rico wala. And भाई लकीली कैप्टनशिप मिला उसकी. कैप्टनशिप भी था तो वो तो मैं मिस ही नहीं कर सकता था. मैं क्या, कोई बात नहीं, दोबारा टूट जाए ये मैच नहीं मिस करना. कैप्टन जाऊंगा तो मैं नहीं. सिर्फ फ्रैक्चर वाले पे वही लगा के सोएंगे रात. सही में हो जाता, कोई टेंशन नहीं. कोई टेंशन नहीं है. चलो ठीक है, स्टावैक का फिर आपका टाइम खत्म हुआ फाइनली. आपको ऐसा लगा गेम टाइम नहीं मिल रहा था, ये रीजन था आपको आने का? बेंगलुरु आया वापस? या मैन, लाइक ऐसे ही था. आई मीन आई सेड दैट आई हैव done enough and I'm at a point in my career where I want to play games, and Starbuck wasn't providing me that. So that's when I started to look for options elsewhere in Europe. Europe mein shuru kiya tha apne pehle. Ha, so there were offers like from Azerbaijan and like
कंट्रीज वेयर आई डिडंट वांट टू गो. बट एक अपॉर्चुनिटी थी पोर्चुगल में फर्स्ट डिवीजन क्लब कॉल्ड बोआविस्ता. या एंड दे सेड दैट दे हैव थ्री कीपर्स ऑलरेडी एट दैट टाइम बट दे वुड वांट मी टू कम बैक लाइक द फॉलोइंग ईयर इफ आई कैन गो समवेयर फॉर दोज सिक्स सेवन मंथ्स इन अ क्लब ऑन लोन एंड कम बैक. So it, I was like, yeah, no problem, man. Like, I can do that. And that's when we started to look for a club in India, saying that, yaar, ye ISL khel leta hu main. So uske agle saal, I'll go over there. But to do all this, I had 1 week because the transfer window, how it works in Norway is different. In the summer, it's only 1 month. Oh. And the winter time, it's 3 months. It's the other way around. Sun bhi wahan zyada rehta, transfer window bhi longer. Haan, aise hi hai. Sab saath hai. So that 1 month started to become, you know, 3 weeks, 2 weeks, 1 week. Ek hafta reh gaya. Abhi signing bhi nahi hui hai. Sign karke loan pe bhi jana hai aur sab paperwork karna hai. We are going back and forth, back and forth, back and forth. And I waited until the deadline day for the club to come back to me and say that, bhai, ye sign kar do. Aap fir loan pe chale jao. But I don't know what happened. No reason was given. And I just, you know, just went back, decided that I'll sign for BFC. Aur offers aaye the aapko India mein? Yeah, pretty much every single club. Yeah. Except, no man, I think. Maybe Mumbai. Except Mumbai, but every single club other than them was interested, which I was very happy about. Mumbai ke paas Amrinder Paji the. Ha, isliye. So they have a keeper like Amrinder, you know, very Arindam good. Arindam to the pichle saal usse pehle ek saal. Us time shayad Arindam bhai bhi the. Arindam bhai tha aur Amrinder. Ha, so they didn't need any Indian keeper. So that's when I decided that, you know, I'll go to BFC because firstly I like the club, I love the club. Yeah. And secondly, one of the most important reasons for me was to play the AFC. Asian level. Level, at least I'll want to play at a decent level. Exactly. So that's when I decided that this 1 year I'll sign with BFC, and when the summer is about to come, if that offer comes back again, I'll sign there. But fir uske baad tu kaun main kaun kuch nahi pata chala. And then I was happy with the club, and BFC showed faith in me, and you know, we wanted to show Indian footballers and everyone in India that if you work with the club and show faith and support, you can sign long-term deals. And that's what we planned out to do, and thankfully we did that. You know, signing a 5-year deal hasn't been something which is happening in Indian football frequently. Yeah. So, you know, 5-year deal. Some people don't know if the team will be or not. That's problem. Yeah, yeah. But at least you do something about it. You know, yeah, like you show show faith and show interest. Because agar koi bhi nahi karega, to fir kaun karega? Hum hi karenge. ये बात भी सही है. BFC में आप आए. First season, obviously. Yeah. इतना अच्छा नहीं रहा, but second season आप आए तो जीत गए. कैसे अच्छा नहीं रहा यार? हमने trophy जीती है. सुपर कप जीता है. चलो सुपर कप हो गया, ठीक है सुपर कप. बट अच्छा भी नहीं था, ऐसा भी नहीं है. आपके लिए बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट था होम पे लूज करना. या मैन, डेविस्टेटिंग घर पे, क्योंकि या यार वी टॉप द लीग, पॉइंट डिफरेंस अनरियल, एंड होम गेम फाइनल. मुझे पर्सनली गोल्डन ग्लव भी मिलने के बहुत अच्छे चांसेस थे, वो एक गोल की वजह से नहीं मिला. लाइक all the credit to Chennai, they played brilliantly and they used their strength. Yeah, and so yeah. But as I said, you know, they might have won the cup, but we won the league that year. True. League hoti to kya hota? Abhi yahi situation chal rahi hai. Merge league hoti to kya hota? ISL ke bare mein baat karte hain ji. Kaun si wali? Jo jeete aapko wali. Jeete wali. Kaisa tha wo season? Aur obviously Albert Roga nahi the. Albert Roga लेके आया था वो क्लब में, बट उसके बाद कास्पोट्राट आए. कैसा था वो सीजन? और क्षेत्रीय लाइक कैप्टनसी के अंदर थे आप, नेशनल टीम, और वो कंसिस्टेंसी भी थी.
It was good, yaar. I mean, सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ जो आपने मेंशन की थी इज़ टू हैव दैट कंसिस्टेंसी. तो वो मेंटेन करना एंड रिपीटिंग समथिंग व्हाट वी हैव डन द प्रीवियस ईयर वाज वेरी डिफ़िकल्ट. बीएफसी इज़ अ टीम हु शुड थ्राइव एंड स्ट्राइव टू फिनिश एट द टॉप एंड दैट्स व्हाट वी ट्राई टू डू. बट कार्लेस बहुत ही अच्छे कोच हैं और सीज़न के शुरू में उन्होंने बोला कि हमने एक चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट करना है, वो है डिफेंडिंग. सो दैट्स वाई वी वर लकी टू गेट दोज गेम्स अगेंस्ट विलारियल बी एंड बार्सिलोना बी, क्योंकि वहाँ जो वो दो गेम्स हैं उन्होंने हमें पूरे सीज़न में हेल्प किया. वो दो गेम्स ने हमें सिखाया कि डिफेंड कैसे करना है एज अ टीम, यू नो, व्हेन द ऑपोजिशन इज सो गुड विद द बॉल. सेट पीस डिफेंडिंग में स्पेशली आपको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग. हाँ, वो ऐसी चीज थी जो हम दोबारा रिपीट नहीं करना चाहते थे गलतियाँ, क्योंकि वी लॉस्ट द फाइनल बिकॉज ऑफ दैट. थैंक गॉड फॉर राहुल बेकेज हेड, सीरियसली ग्रेट हेड, ग्रेट हेड. आई डोंट नो हाउ ही स्कोर्ड फ्रॉम दैट फार आउट. आपने ब्लॉग देखा कि मेरे फाइनल का? That far out, you heading the ball like this? I was scooping as well, like proper. I said, yeah. फिर ब्लॉग देखा क्या मेरे फैन का, ये बताओ. मैं देखता हूँ, सब देखता हूँ. तभी कह रहे थे इंडियन फुटबॉल एक्सपर्ट. चलो फाइनल मेरे को इस पे खत्म करना. गुरप्रीत जी, आपका एम्बिशन क्या है एज अ प्लेयर, एज एन इंडियन नेशनल टीम प्लेयर, और अगर आपको फ्यूचर यूरोप में भी खेलना है, आपका एज अ गोल कीपर एम्बिशन क्या है? माई एम्बिशन इज टू कॉन्ट्रीब्यूट एज मच एज आई कैन, यू नो, be it on the pitch, off the pitch, just try to send out the right message, try to help each other, and that's how, you know, we'll grow as a nation, grow as a team, grow as a person. ek aur cheez hai, mereko ye bahut maarenge fans agar main nahi pucha aapse, aap europe mein wapas aane ki soch rahe ho ki nahi? Of course yaar, I mean drive apne andar ka sahi hai bilkul, but chance milega, opportunity milegi, we'll, you know, for sure try, and that's something in the back of my head. But agar the situations are not what I want, you know, don't want similar conditions like Norway, because I've experienced that and I know how it is, and it's possible for young footballers, you know. I'm a player who wants to play games and you know, do something for myself. That's why I say I wish I went there when I was 17, 16. I went there at 22. That's old, man. Like, you know, the goalkeeper coach, jab udhar tha main, unhone bola mujhe, I'm the most eldest guy that he has taken under. And I was just 22. Yeah. Football. So if you are 16, 15, 16, please go out. That's one of the best ways to, you know, become better as a player. Yeah. As a football team, and as an issue. Nowadays, you might not get good advice, but make sure you have the right people around you who are giving you the right selfless advice that you deserve. Absolutely. Paji, ab I hope ki aapko handshake yaad hai. Chalo. Chalo. Nailed it. Absolutely. 10 on 10. Theek hai na? Thank you so much, Gurpreet Paji. No problem, Paji. Let's move to rapid fire. Chalo. Chalo.